गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हेलो देयर दोस्तों, मेरा नाम केविन लोपेज है। मैं पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर एक्सप्लेनेशंस देता आया हूँ। इंग्लिश लिटरेचर में आपको अगर हमारे दूसरे स्टैंडर्ड्स या क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ इंफॉर्मेशन बटन है, इस पर क्लिक करिए, आपको प्लेलिस्ट पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको फिलहाल 7th स्टैंडर्ड हनीकॉम बुक के चैप्टर्स हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही एक्सप्लेनेशंस में मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट्स और स्टैंडर्ड्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको सारी सब्सक्रिप्शन, सारे वीडियोज अपडेट्स रेडी मिलेंगे। आज इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए जो चैप्टर लेकर आया हूँ वो एक पोएम है, एक बहुत ही शॉर्ट, ब्यूटिफुल, लवली पोएम फॉर ब्यूटिफुल स्टूडेंट्स लाइक यू। इसका नाम है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। अभी आप जिस रूम में बैठे हैं, क्या वहां पे एक सीलिंग फैन है? सीलिंग फैन मतलब जो फैन छत पे लगा रहता है, क्या वो फैन आपके सीलिंग पे चल रहा है? अगर उसमें आवाज आ रही है तो एक चीज सोच लीजिए, ये फैन डेफिनेटली उस टॉकिंग फैन का रिलेटिव है जिसके बारे में हम यहाँ पे पोएम बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी, ये पोएम जो है ये लिखी है मॉडे रुबिन ने। मॉडे रुबिन बेसिकली एक पर्सन है जो कि काफी एक्सपर्ट हैं बच्चों के लिए पोएम्स लिखने में। उन्होंने बहुत सारी पोएम्स यहाँ पे बच्चों के लिए लिखी है जो कि सिंपल एंड स्वीट लैंग्वेज में होती है। तो इस पोएम को इस तरीके से उन्होंने कहा है कि हैव यू एवर सीन अ सीलिंग फैन। वेल, हैव यू एवर सीन अ सीलिंग फैन, बेसिकली जो रहते हैं वो पूछ रहे हैं यहाँ पे पोएट कि क्या आपने एक सीलिंग फैन देखा है? तो यस, डेफिनेटली हमने एक सीलिंग फैन देखा है और उसकी इलेक्ट्रिकल चैटर, वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन इलेक्ट्रिकल हिज चैटर। उन्होंने कहा है कि एक बार एक इलेक्ट्रिक फैन था, एक सीलिंग फैन था जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, और उसकी चैटर जो थी वो इलेक्ट्रिकल थी। मतलब उसकी चैटर कहने का मतलब है, वो जब पंखा घूमता था तो उसके अंदर से कुछ आवाज आती थी। यूजुअली होता यह है फ्रेंड्स कि जब फैंस ओल्ड हो जाते हैं, उनकी डस्टिंग नहीं की जाती है, उन्हें साफ नहीं किया जाता है, तो उनकी जो बेयरिंग्स होती है उसमें कुछ डस्ट इकट्ठा होके उसको एक टिपिकल पिक्यूलियर साउंड या वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो पोएट उसी चीज को बता रहे हैं, वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड एंड आई होप इट डजंट मैटर। हालांकि मुझे वो इलेक्ट्रिकल फैन की आवाज तो सुनाई देती थी, लेकिन मुझे कभी समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहा है। खैर, वो क्या कहना चाहता था ये भी कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि मुझे वो लैंग्वेज आती नहीं थी। Because one day somebody oiled his little whirling motor. एक दिन किसी ने उसकी little whirling motor, एक छोटी मोटर जो फैन में होती है, उसकी oiling कर दी, and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. तो जो भी mystery थी दोस्तों, वो पूरी mystery खत्म हो गई। तो इसका summary हम इस तरीके से लेते हैं कि एक बार एक सीलिंग फैन था जिसकी चैटर इलेक्ट्रिकल थी, जिससे आवाज आती थी, और उस आवाज से वो फैन पता नहीं क्या संदेश देना चाह रहा था, लेकिन वो संदेश किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि एक दिन किसी ने आके उसकी जो मोटर होती है उसमें ऑयलिंग कर दी, और जो संदेश वो फैन देना चाहता था वो संदेश वहीं पे खो के रह गया, क्योंकि वो फैन, that fan began to run as still as water. मतलब जैसे एक पॉन्ड में पानी होता है, बिल्कुल शांत, स्थिर, गंभीर, वो फैन भी बिल्कुल उसी तरीके से स्मूथली रन करने गया। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज अ ब्यूटिफुल एंड अ शॉर्ट पोएम जो कि मॉडे रुबिन ने आप जैसे स्वीट स्टूडेंट्स के लिए लिखी है। हालांकि ये 6 to 8 लाइन्स की पोएम है, बट यस, इट गिव्स अ वेरी म्यूजिंग यूज ऑफ लैंग्वेज। मतलब इसमें लैंग्वेज को उन्होंने बहुत
ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा है, और इंग्लिश ग्रामर जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है का बहुत ही खूबसूरती के साथ यूज़ करा है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आपको ये एक स्वीट सी पोएम समझ में आई होगी, इसके समराइजेशन में आपको हेल्प मिलेगा, और एग्ज़ाम्स में जो कि आगे आने वाले हैं आप लोगों को इसकी समरी लिखने में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है दोस्तों, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसी बुक के दूसरे चैप्टर्स पे डायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको उन चैप्टर्स का हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन काफी विवरण के साथ मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, दिस इज केविन।